लॉजिक के इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें कहा गया है कि नीचे दो आधार वाक्य दिए गए हैं और उनसे चार निष्कर्ष निकले गए हैं, जो अलग अलग या एक साथ लिए गए हैं उस कूट का चयन कीजिए जो यह व्यक्त करता है कि निष्कर्ष वैध रूप से लिए गए हैं। गिवन बिलो आर द टू प्रमिसेस एंड फोर कंक्लूजंस आर ड्रॉन फ्रॉम देम, टेकिंग सिंगली और टुगेदर सेलेक्ट द कोट दैट स्टेट द कंक्लूजन वैलिडिटी ड्रॉन। नाउ यहाँ पर जो प्रमिसेस है आधार वाक्य उसे देखें, सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं, All religious persons are emotional. अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका वेन आरेख बनाएंगे, सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं, तो all religious persons, सभी धार्मिक व्यक्ति भावुक होते हैं, तो ये हमने बना लिया सभी धार्मिक व्यक्ति। ये जो गोला है ये डी इज फॉर रिप्रेजेंट फॉर धार्मिक और बी इज फॉर भावुक, ठीक है, समझने के लिए डी इज फॉर धार्मिक एंड बी इज फॉर भावुक। अब यहां से यहां तक धार्मिक है और ये यहां से यहां तक भावुक है। अब इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि यहां से यहां तक कुछ धार्मिक व्यक्ति कुछ भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं। राम एक धार्मिक व्यक्ति है। अब राम को कहां पुटअप करेंगे, राम को हम धार्मिक व्यक्ति में पुटअप कर देंगे, तो राम यहां पर आ जाएगा, राम एक धार्मिक व्यक्ति है। नाउ राम भावुक है, तो राम भावुक है क्योंकि राम धार्मिक है और सभी धार्मिक भावुक होते हैं, तो धार्मिक भावुक होते हैं और यहां से यहां तक पूरे भावुकों का गण दिखाई दे रहा है। अगर हम यहां से यहां तक देखें तो ये भावुक है, इसलिए राम एक भावुक व्यक्ति होगा, दैट इज क्लियर। थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तो ध्यान रहेगा। यहाँ पर देखिए तो ये आपके भावुक वर्ग में आ जाएगा, ये पूरा भावुक में आ जाएगा और यहाँ तक भावुक कंप्लीट हो जाएंगे। भावुक यहां से यहां तक हो गए और धार्मिक के लिए देखिए एक दूसरा कलर ले लेते हैं, तो ये केवल धार्मिक है, यहाँ धार्मिक भावुक दोनों हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स मिल गए। तो राम एक धार्मिक व्यक्ति है और राम भावुक है, कंक्लूजन निकला राम भावुक है, तो ए कंक्लूजन निकलता है, तो ए निकल रहा है कि राम भावुक है क्योंकि राम जो है वो धार्मिक है और धार्मिक सारे भावुक है, तो राम भावुक है। दूसरा है सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं, सभी भावुक धार्मिक होते हैं, कहीं से नहीं, देखिए इतने भावुक ऐसे हैं जो धार्मिक नहीं है, तो इस सेंस में देखा जाए तो ये गलत है कि सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं। तो राम भावुक होते हैं, ये सही है, और सभी भावुक भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं, ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस, ये गलत है। फिर राम एक आधार्मिक व्यक्ति नहीं है, राम एक आधार्मिक व्यक्ति नहीं है। नाउ इट इज सेइंग दैट कि राम एक आधार्मिक व्यक्ति नहीं है, तो राम एक आधार्मिक व्यक्ति नहीं, इसका मतलब राम धार्मिक व्यक्ति है। अब राम धार्मिक व्यक्ति है, यह बात तो स्पष्ट है क्योंकि राम धार्मिक है, यह हमें क्वेश्चन में ही कहा गया है, तो ये भी सही है। कंक्लूजन में यहाँ पे प्रेमिसेस में ही कहा गया राम एक धार्मिक व्यक्ति है, तो राम एक धार्मिक व्यक्ति नहीं है, ये बात सही है। कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक नहीं होते, अब यहाँ पे देखिए सभी धार्मिक भावुक होते हैं, तो फिर कुछ या कोई कैसे नहीं होगा, यह बात गलत हो गया। स्पष्ट है ए और सी यानी आंसर तीसरा सही कंक्लूजन निकलता है।